पद में उस समय का वर्णन है जब यशोदा मैया दादा से पूछ रही है, दादा तूने मिट्टी खाई है, तूने मिट्टी खाई है। ये बरदाव जी भी कहते हैं और सब सखा भी कहते हैं कि तू मिट्टी खाया है, ऐसी शिकायत करते हैं। तो दादा क्या बात है, सही बात क्या है? तो मैया पूछ रही है और ठाकुर जी साथी देखकर, साथी मतलब पतली सी लकड़ी होती है, उसको ब्रज भाषा में साथी कहा जाता है। तो साथी को देखकर जिसकी भृकुटि विलास प्रयास हुई, जिसकी भृकुटि टेढ़ी कर देने मात्र से प्रलय हो जाए, ऐसे भगवान अब यहाँ साथी देखकर डर रहे हैं, कांप रहे हैं साथी देखकर। Thank you.
कर ठाकुर जी के, ठाकुर जी खड़े हैं और दोनों हाथ उनके पेट पर बंधे हुए हैं, रस्सी से बंधे हुए हैं। वो ठाकुर जी झर झर दिग झर राय नेत्रों से झर झर आंसू बह रहे हैं मैया के सामने। देखिए वो भगवान मैया के सामने आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं। साटी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रही है, जैसे माएँ बच्चों को मारने के लिए डंडा दिखाती हैं, ऐसे ऐसे ही यशोदा मैया की साटी ऊपर नीचे हो रही है। तो ठाकुर जी ने कहा, मत मार मैया, मत मार, मुझे मत मार। भैया मोही गैया नित हकवाए, वो रोज बरदाउती मुझसे गैया हकवाते हैं। हकवाने का मतलब, जब हम घर जाते हैं तो उस समय भी और जंगल को वृंदावन में जाते हैं उस समय भी, तो भैया कहता है, बदराव जी कहते हैं कि दादा कन्हैया ये सब गैयाँ हाँको, हाँकने का मतलब चलो, बार बार एक आवाज़ निकालते हैं,
वो ऐसा करके आगे बढ़ाते हैं गांव को। तो बद्राव जी कहते हैं कि अरे वो कन्हैया, गैयाओं को हाँक कर लिटरो। शाम के समय भी वो गैयाओं को हकवाते हैं। गाय के पास ना जाए तू भी ना जाना। क्यों? क्योंकि यदि तू गाय के पास जाएगा तो गाय पैर मार देगी, चोट लग जाएगी। इसलिए तू डांटती है ना, तू कहती है कि दादा गाय के पास मत जाना, इसलिए मैं गाय बहू ने नहीं जाता। मैं
जब भैया ने मुझे गैया बहोने के लिए कहा तो मैं नहीं गया, मैं गैया बहोने नहीं गया। मैंने कह दिया कि भैया मैया ने मना किया है, मैं नहीं जाऊँगा। तो भैया ने कहा अच्छा, तो इसीलिए सर तू आज चल, आज मैं मैया से तुझे दांत लगवाऊंगा, ये कहा। दादा ये तो समझ में आ गया कि तेरा भाई बदाऊ तुझे क्या किस कारण से धमकाता है, शिकायत करता है, लेकिन सब सखा ये भी तो तेरी शिकायत कर रहे हैं, तो ज़रूर कुछ बात है। ऐसे नहीं चलेगा, आज तुझे बताना ही पड़ेगा। तो ठाकुर जी ने फिर बात बनाई, क्या कहा कि हारे कादी खेल महमोते, ये सब सखा कर मुझसे यानी मेरे द्वारा हार गए थे, खेल में हार गए, इसलिए सब खिसियाए हुए हैं। तो इसलिए कछु बस चढ़ो न जब मैया सो, जब इनका कोई बस नहीं चला तो इन्होंने तुझसे
झूठी शिकायत की है, ये सब झूठी शिकायत लगा रहे हैं, भैया मैंने मिट्टी विट्टी नहीं खाई। Thank you.
देखा कि आज कोई बहाना नहीं चलेगा, सखाओं से हार सखारों हार गए थे इसलिए ऐसा हो गया, या गैया नहीं हाँकी तो इसलिए बदौदी चिर गए, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। आज तो तुम मुंह खोल कर दिखा ही दो, आज अपना मुंह मैया कह मुख खोल ही दिखाओ, अपना मुंह खोल कर दिखा दो। रोज तुम्हारी शिकायत मिलती है, कभी कोई शिकायत करता है कभी कोई, तो रोज शिकायत मिलती है, मुंह खोल कर दिखा दो। तब हरी कछु मुस्काए, तब ठाकुर जी थोड़ा हंसे, हंसे और आगे क्या हुआ। हाथ में सांटी थी और मैया कह रही थी, दादा मुंह खोल कर दिखाओ, आज मुंह खोल कर दिखा दो, दिखा ही दो। तो ठाकुर जी का मुंह अपने आप खुल गया और भगवान की जो पर्सनल पावर है योग माया, वो उनके मुख में आकर बैठ गई और उसने ठाकुर जी का वो विराट स्वरूप, अनंत ब्रह्मांड वाला विराट स्वरूप दिखा दिया, जिसमें मैया को
अनंत ब्रह्मांड, अनंत सूर्यों की ज्वालाएं निकल रही हैं, अनंत लोक दिखाई दिए। जब ऐसा रूप मैया ने देखा तो अब क्या हुआ? ठाकुर जी के मुख में अनंत ब्रह्मांड देख कर मैया अब अकुराने लगी, यानी मैया के हाथ से साथी छूट गई और मैया मूर्छित हो गई। अरे, अपने दादा के मुख में मैं क्या देख रही हूँ? मेरा दादा छोटा सा है अभी, और ये क्या दिखाई दे रहा है मुझे? मैया घबरा गई। अब घबरा गई तो ठाकुर जी ने एक काम किया, मैया को देखकर ठाकुर जी ने मन में सोचा, आंख बंद कर दी थी उन्होंने, क्यों कि अब डंडा पड़ेगा मुझ पर, यानी कंधे पर या कहीं। जब डंडा नहीं पड़ा तो ठाकुर जी ने देखा मैया क्या कर रही है। देखते हैं कि मैया की हालत खराब हो गई। तुरंत समझ गए, अच्छा, ये योग माया मेरा विराट स्वरूप मैया को दिखा दिया, योग माया ने तो उसको समेट दिया, गायब हो गया वो रूप। ये अलग से पर्सनल बात है, तो वो गायब कर दिया। तब कृपारू भय सौम्य
श्याम इमी, तब ठाकुर जी सौम्य हो गए, यानी साधारण बच्चे की भांति नॉर्मल व्यवहार करने लगे, जैसे साधारण बच्चा होता है। लेकिन एक पद पा गए, क्या पद? उनका नाम पड़ गया दामोदर। ठाकुर जी का नाम इसीलिए पड़ा दामोदर, उनके दोनों हाथ पेट पर और रस्सी से मैया ने बांध दिए हैं, तो दाम, दाम यानी रस्सी, और उदर से पेट पर बंधे हुए हैं, इसलिए ऐसे दामोदर गुण सुंदर मंदिर, ऐसे ठाकुर जी इस लीला के बाद उनको दामोदर कहा गया। अनेक नाम हैं उनके। बोलिए दामोदर गुण मंदिर सुंदर वृंदार विंद की जय। बोलिए दामोदर गुण मंदिर सुंदर वृंदार विंद की जय। तब